गाइस मेडिकल टिप्स चैनल आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक मल्टीविटामिन टैबलेट। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि जिंको भी टैबलेट पर वीडियो बनाइए सर, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई मुझे समझा नहीं पाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोटे होने की इस टैबलेट काम आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि हेयर फॉल इस टैबलेट को लेने से हमारा रुक जाता है, बहुत से लोग कहते हैं स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वो सबके डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको जिंको भी टैबलेट के बारे में मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो टैबलेट दी गई है, इस जिंकोबिट नाम से मार्केट में आती है। एक स्टेम में 15 टैबलेट होती है। इसका जो मार्केट प्राइस जो है 105 रुपये में आपको 15 टैबलेट का स्टेम मिल जाता है। इसको अपेक्स फार्मा बनाता है, अच्छी कंपनी। कंटेंट की बात करते हैं, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स से मिलाकर इसको बनाया गया। बहुत सारे इसके अंदर जिंक, विटामिन ई, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सिक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B1, बहुत सारे इसके अंदर मल्टी विटामिन से मिलाकर इस टैबलेट को बनाया गया। भरपूर इसके अंदर मल्टी विटामिन डाला गया है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की, कौन सी बीमारी में इसका यूज़ किया था। जिन लोगों के सबसे पहले तो बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अंदरूनी वीकनेस है, या कोई सर्जरी वगैरह हुई है उनके बाद वीकनेस हो जाती है, या कोई लंबा ट्रीटमेंट उनका चला है, बुखार वगैरह आया है, कोई फीवर वगैरह कोई ऐसा हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके चलने के कारण मेडिसिन बहुत सारा यूज़ की जाती है। तो उन कंडीशन में बहुत ज़्यादा लोगों को कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा वीकनेस आती है, उनको खाना खाने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप जिंको भी टैबलेट का यूज़ करेंगे तो आपकी कमजोरी, थकान जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये लगती है उनको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, हाथ पैरों में जान नहीं लगता है, लगता है सुस्ती लगती है, लेटे रहो, आलस सा बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कोई काम करने मन नहीं करता है, कोई बोलता है, चिड़चिड़ापन होता है। और जिन लोगों का BP लो रहता है तो उन कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और जिन लोगों का हेयर लॉस है उसमें ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन ई वगैरह डाले गए हैं, तो आपके हेयर के भी लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। और आपकी स्किन पे कोई किस तरह के रैसेज, ईचिंग वगैरह हो रही है, या आपके ब्लैक स्पॉट वगैरह पड़ रहे हैं, तब भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। आपको भूख वगैरह नहीं लग रही है उन कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको बहुत सारा कमजोरी है, BP लो है, थकान रह रही है, बार बार BP लो होता है आपका, जैसे हर दो दिन में 3 दिन में BP आपका डाउन हो जाता है, तो आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने का तरीका क्या है, इसकी डोज क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। आपको दिन में 2 बार इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, सुबह खाना खाने के बाद, ऐसे आपको खाना खाने के बाद, चाहे तो दूध से ले सकते हैं, चाहे तो पानी से ले सकते हैं। एक बार इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल घर पर यूज़ नहीं किया जाता है, जब यूज़ किया जाता है जब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस टैबलेट मल्टीविटामिन है, हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो आगे इस वीडियो में बात करेंगे। एडल्ट के लिए ये टैबलेट बनाई गई है, बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना है। अगर बच्चों में इसका इस्तेमाल करना है, बच्चों के लिए ड्रॉप आता है, वो सीरप आता है, वो इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन ये एडल्ट के लिए टैबलेट है। जिंकोबिट मेडिकल स्टोर से लेकर अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है मेडिकल स्टोर पर तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, इसका वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको बहुत आसानी से, ईजिली। बहुत ही स्मॉल सी टैबलेट है, बहुत आसानी से इसको खा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट, इसके कॉमन से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे ईचिंग, रेडनेस, और आपके मतलब घबराहट, बेचैनी, ऐसे कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं इस टैबलेट को लेने से, तो आप जिंको भी टैबलेट का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए यूज़ ना कीजिए। एक बार अगर टैबलेट का यूज़ करें तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, BP वगैरह अपना चेक करा लें, उसके बाद इस टैबलेट का यूज़ करें। आपकी वीकनेस, कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बेहतरीन टैबलेट है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेने के बाद। तो गाइज आज की वीडियो में आपने जाना जिंको भी टैबलेट के बारे में फुल रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।